नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। टेलीविजन पर ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने सीरियल्स में भगवान का किरदार निभाया है। इन सीरियल्स में रामायण के अरुण गोविल से लेकर महाभारत के भगवान कृष्ण का रोल निभाने वाले नितिश भारद्वाज का नाम शामिल है। इन सभी सितारों ने टीवी पर अपने रोल को इस कदर जिया कि लोग असलियत में ही इन्हें भगवान मानने लगे। जानिए ऐसे ही सितारों के बारे में जिन्हें लोग भगवान का दर्जा देकर पूजने लगे थे। अरुण गोविल ने रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाया था। इस किरदार में वो ऐसे ढले कि लोग इनकी भगवान मानकर पूजा करने लगे थे। दीपिका चिखलिया ने रामायण में सीता का रोल निभाया था। इस रोल की वजह से दीपिका की लोग पूजा करने लगे थे। इस रोल ने दीपिका को रातों रात ही स्टार बना दिया था। रामायण के दोबारा प्रसारण को भी लोगों ने खूब पसंद किया और ये अभिनेत्री एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गई। फिल्म बजरंग बली में दारा सिंह ने हनुमान जी का किरदार निभाया था। इसके बाद वो रामानंद सागर की रामायण में हनुमान बने। इस रोल को दारा सिंह ने ऐसे निभाया कि लोग जब भी हनुमान का नाम लेते हैं तो उनके सामने दारा सिंह जी की हनुमान की छवि आने लगती है। स्वप्निल जोशी ने रामानंद सागर के श्री कृष्ण सीरियल में भगवान कृष्ण की युवा अवस्था का किरदार निभाया था। इस किरदार के बाद लोग स्वप्निल को भगवान मानकर पूजा करने लगे थे। इस बात का खुलासा खुद स्वप्निल ने भी अपने एक इंटरव्यू में किया था। स्वप्निल ने बताया था कि उनके एक फैन ने भगवान से डरकर सिगरेट पीना तक छोड़ दिया था। महाभारत में नितिश भारद्वाज ने भगवान कृष्ण का किरदार निभाया था। इस सीरियल में उनकी वेशभूषा और डायलॉग बोलने के तरीके के अलावा चेहरे के भावों ने भी लोगों को बांधे रखा था। नितिश के कृष्ण के किरदार से लोग इतने जुड़ गए थे कि लोग इन्हें असलियत में भगवान मानकर पूजने लगे थे। इनमें से आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखकर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।